इस बार इस घर में बरसी नहीं होगी। मैं पंडित जी को फोन करके मना कर दूंगा। यस मिस्टर सिंह। नो नो, वी हैव एनफ टाइम। जी जी हाँ, एक मिनट। हाँ सुप्रिया, पेन पेपर। हाँ जल्दी। आर यू श्योर? हाँ हाँ सुप्रिया जल्दी। जी जी मैं नोट कर रहा हूं। That's very good news, huh? Finally, we got it. What a big deal, Mr. Singh. Thank you so much. Thank you very much. Supriya, हमने एक बहुत ही बड़ी डील क्रैक की है. I am so happy. मुझे इमीडिएटली ऑफिस के लिए निकलना होगा. हाँ, ओके. नीलिमा को आज का दिन दे दो. मैं उसे एक मौका और देना चाहता हूँ. जब गुस्सा शांत होगा तो वो बरसी के लिए भी मान जाएगी. तब तक मैं पंडित जी से कुछ कहता नहीं। नरेन बाबू, ये शेड की छत कैसे टूटी? सुबह तक तो ठीक थी। हरी सर और नरेन बाबू बिल्कुल एक जैसे ही हैं। काम की बात होते ही सारा गुस्सा भूलकर अपने काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। शायद नरेन बाबू का गुस्सा शांत करने का रास्ता मिल गया है मुझे। मैं सब कुछ भी करके सुप्रिया आंटी की काश को मुझे हकीकत में बदलना है। पूरी फैमिली मेरी वजह से अलग हुई है। अब मुझे ही उन्हें परसी के लिए साथ वापस लाना होगा। चाहे तुम्हारी मम्मी हो, बुआ हो या कोई भी नारी हो, सब में एक माँ होती है। जिस घर में माँ की इज्जत नहीं होती ना, वहां कभी कोई खुशी पास में नहीं फटकती। नरेन बाबू किनारे पे क्या कर रहे हैं? नरेन बाबू! नरेन बाबू रुकिए! नरेन बाबू! नरेन बाबू रुक जाइए! रोको इन्हें। गौरी, बोलू, चलो चलो, तुम सभी अब नरेन बाबू को बचा सकती हो। नरेन बाबू आप अब... तुम्हें बिल्कुल चैन नहीं ना? तुम्हें कहा था मुझे अकेला छोड़ दे। लेकिन आप अब जा कहां रहे हैं? तुमसे मतलब
तो बड़े चिपकू हो, बात बात पे मेरे हॉस्टल के यहाँ पे पहुंच जाते हो। देखो इस वक्त मेरे खुद के 20 प्रॉब्लम्स हैं और तुम्हें तुम्हारे दी की डांस क्लास की पड़ी है। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन लाया हूँ मैं। तुम्हारे रहने के लिए एक पीजी का इंतजाम हो गया है, मॉल के पास एक घर है, वहाँ पे रहने के साथ साथ घर का खाना भी मिलेगा। घर का खाना मिलेगा, ओके ठीक है। अगर तुम मेरा पीजी करवा देते हो तो मैं भी क्लास के बारे में सोच सकती हूँ। तो समझो तुम्हारा काम हो गया, तुम अभी अपना सामान ले आओ, मैं अभी तुम्हें तुम्हारा पीजी दिखा देता हूँ। ठीक है, यू वेट, मैं अभी आई। नरेन बाबू, उदय जी के यहाँ से जो अनाज आया था, इस महीने का बिल। अच्छा, आज तो थर्सडे भी नहीं है, फिर नरेन बाबू का मूड इतना ऑफ क्यों है? नरेन बाबू, ये शेड की छत कैसे टूटी? सुबह तक तो ठीक थी। अरे नरेन बाबू, ये छत तो फिर से गिर गई। ये कैसे हुआ? पता नहीं नरेन बाबू, मैं तो आप ही के साथ थी। मिश्रा जी, आज सुबह ही ठीक किया था, ये फिर से कैसे गिर गया? गुस्से से किया हुआ काम पक्का कैसे होगा? इस बार आप शांत मन से कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपकी मदद करती हूँ। जाने क्या सवाल है तू, जानू तुझे जितना उतना ही उलझू, ऐसा कैसा जाल है तू। तुझसे मिलूं, चेहरा पढ़ूं, पूछूं बाकी काम अब कर लेना मिश्रा जी, मेरा पता नहीं मैं कब आऊं कब जाऊं। जब तक नरेन बाबू का गुस्सा शांत नहीं होता ना, तब तक वो बरसी के लिए घर नहीं लौटेंगे। तुम भी तो कोई आइडिया बताओ, कोई मेलोड्रामा वाला आइडिया जिससे नरेन बाबू के गुस्से को उलझा सकूं। हाँ अरे वाह गोरी, तुम तो बहुत फास्ट निकली, अब देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। नरेन बाबू, पीने का पानी भी। खत्म हो गया। ये ऐसा क्यों कर रही है? भाई क्या कर रहे हो आप?
भाई आप ये क्या कर रहे हो? भाई मैं आपकी हेल्प करता हूँ। भाई आपको याद है, हम सबको हमेशा ये लगता था कि नानू आपको सबसे ज्यादा मानते थे, पर हम में से किसी ने नानू को आपके जितना प्यार भी नहीं किया। और इस साल अगर आप उनकी बरसी का हिस्सा नहीं बनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? बोलो भाई। चलिए, पहली बार मयंक बाबू कुछ ढंग का काम कर रहे हैं। बस अब नरेन बाबू बरसी के लिए हाँ कर दें तो सुप्रिया मैम के मन का गिल्ट भी खत्म हो जाएगा, है ना? जी जी, नरेन फोन ही नहीं उठा रहा है। अब पता नहीं कितने दिनों तक रूट कर फार्म पर ही बैठा रहेगा। पर भाभी इस बार कम से कम ये तो पता है कि वो कहाँ है। और आप चिंता मत कीजिए, कल बाऊजी की बरसी है और नरेन बाऊजी की बरसी कभी नहीं छोड़ेगा। हम सब तो जानते हैं उसे बाऊजी से कितना मोह था। हाँ जी जी, बाऊजी के साथ इतना समय भी नहीं बिताया है नरेन ने, लेकिन बाऊजी की बताई हुई एक एक बात, एक एक सीख आज तक उसे याद। कभी कभी तो मैं भी बहुत हैरान रह जाती हूँ। बस नरेन कल घर लौटा है। अभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नरेन बाबूजी के बरसी के लिए घर पक्का आएगा। आई नो, मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था, शायद इसीलिए मुझे उसकी सजा मिल गई। ताऊजी ने मुझे कंपनी और घर दोनों से निकाल दिया। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आप मुझे जो सजा देना चाहते हो दे दीजिए, पर अपने आप से मुझे दूर करके इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आई नो माफी मांगने से कुछ खत्म नहीं हो जाता, पर आप मुझे माफ कर दोगे तो एटलीस्ट थोड़ा गिल्ट तो कम होगा। प्लीज भाई माफ कर दो और घर चल लो। मैं ऐसे घर नहीं लौटूंगा जहां दादाजी के सिद्धांतों की कदर ना हो। हाँ हाँ, पूजा का कमरा तो खाली है, उसी को ठीक करवा देती हूँ। और तुम्हें भी किसी का पता चले तो बताना, ठीक है? अब रखती हूँ। पता नहीं ये लड़का कहाँ गायब बैठा है आजकल, कहीं उस रेचल से तो नहीं मिलने गया होगा। एक तो पहले से ही पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ऊपर से अब लड़की का चक्कर कि पूजा ना मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। मात आ गया हमारा गद्दी करके, रेचल से मिलने गया होगा। माँ प्लीज, तुम भी अपनी बहन की तरह हमारी नाक कट पाओगे। माँ प्लीज। क्यों, मैंने गलत कह दिया? मैं हमेशा गलत। हेलो, ये कौन है? पूजा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने ना सिर्फ आपका भरोसा तोड़ा, मैंने आपका मजाक भी उड़ाया। ये सब मैंने जानबूझ के नहीं, मैं बहुत घबरा गया था।
आई नो मेरी गलती की कोई माफी नहीं है, और अगर आप माफ नहीं कर सकती तो एटलीस्ट मुझे सजा ही दे दीजिए। आई प्रॉमिस मैं इस बार आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मेरे भरोसे से आपको क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपको माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, नरेन बाबू से मांगिए। हो सकता है कि आपकी माफी से आपका घर फिर से जुड़ जाए। मामी जरूर उसी बारे में पूछेंगे, लेकिन मैं क्या जवाब दूं? सब खाना खा रहे हैं, आप भी खा लीजिए। पहले काम खत्म करने दो। ये कील देना। बाद तुम उस लड़के से 5 हाथ दूरी पर रहो, ना उसके साथ बैठना, ना उठना, ना उसके आसपास मंडराना। आज के बाद तुम उस लड़के के साथ घर के बाहर कहीं दिखनी नहीं चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? आप नरेन से ये सब क्या करवा रही हैं? सर, मैं बस नरेन बाबू को हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। हेल्प? ये सब काम करके उसकी क्या हेल्प हो जाएगी? सर, किसी काम में इन्वॉल्व रहेंगे तो उनके गुस्से को डायरेक्शन मिलेगी। सर, जिस तरह आप काम के समय सारा टेंशन सारा गुस्सा भूल जाते हैं, नरेन बाबू भी बिल्कुल वैसे ही हैं। पूजा, अगर उसे किसी काम में इन्वॉल्व करवाना ही है तो उसे ऑफिस के काम में इन्वॉल्व करवाइए। यूं शेड में अपना समय और एनर्जी बर्बाद करके क्या हो जाएगा? सर, जिस तरह आपको नरेन बाबू का शेड में काम करना समझ नहीं आता, उसी तरह नरेन बाबू को आपके ऑफिस का काम नहीं पसंद। हर इंसान को वही करना चाहिए ना जिसमें उन्हें खुशी मिले। उसकी खुशी के चक्कर में 3 महीने यूं निकल जाएंगे। पूजा, आप ये बार बार क्यों भूल जाती है कि आपको यहाँ पर किसी मकसद से बुलाया गया है? याद है सर, इसलिए बस इतना कहूंगी कि अब एक फादर को पीछे हट जाना चाहिए और एक दोस्त के लिए जगह बनानी चाहिए। एनफ पूजा। एक पिता की लाचारी का फायदा मत उठाइए। आप तो देख ही रही हैं, घर में रोज रोज झगड़े हो रहे हैं, मेरे और नरेन के बीच में बातचीत तक बंद है। फिर ऊपर से आप इसको इस तरह यूं बहकाएंगी, फिर तो हो गया। अपनी हद मत भूलिए आप, इसे मेरी लास्ट वार्निंग ही समझिए। एक पिता की लाचारी का फायदा मत उठाइए। अपनी हद मत भूलिए आप, इसे मेरी लास्ट वार्निंग ही समझिए। आज
आज के बाद तुम उस लड़के से 5 हाथ दूरी पर रहोगी। ना उसके साथ बैठना, ना उठना, ना उसके आसपास मंडराना। आज के बाद तुम उस लड़के के साथ घर के बाहर कहीं दिखने नहीं चाहिए। बाजार हो या घाट, मंदिर हो या ऑफिस, तुम उस लड़के के आसपास कहीं दिखने नहीं चाहिए घर के बाहर। और खबरदार, जो तुमने उसके साथ कभी मुंह काला किया था, बरसी में अपने हिसाब से फार्म में ही मनाऊंगा। तुम चाहो तो हेल्प कर सकती हो। नरेन बाबू की मदद करना क्या अपनी हद पार करना है? कभी बंधन डाले हम प्यार में, कभी अंकुश लाए एहतियात में, जब उड़ने के लिए बने हम बंदे, ये बंदिशें फिर किस काम की?